Hey guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sureet and Stevie K. Okay, today guys, we're watching Sundeep Sharma and it's stand up and it's Father Knows Best. I don't think we've done a Sundeep Sharma one before, but has been sent to us. So, Father Knows Best. So, be interesting. Could be late. Dekhiye. Is this his look? It's his father's look. बाल कटवा के आया. हिल भी नहीं रहा हूँ आज ज़्यादा. जैसे उन्हें दुकान में सेट करे. वैसे लेके आपके सामने आ गया. अब ये वीडियो नेट पे जाएगा, उसके बाद सड़क पे लोग पहचान के ये आदमी तो नहीं है. वापस घर पे थोड़े वही हेयर स्टाइल बनता है. क्या है कि शादी के बाद बाल उड़ गए थे एक साल में स्ट्रेस. हाँ, अब स्ट्रेस कम हो गया है. नहीं, इसलिए नहीं कि शादी को टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए कि हमने कुत्ता पाल लिया है. अब घर में चारों तरफ प्यार ही प्यार का माहौल. कोई भी एक दूसरे से प्यार से बात कर रहा होता है, बात हमारे कुत्ते से ही हो रही होती है. मेरे बेबी ने टन थाया, आ मुझसे लिपट जाइए, दुनिया इतनी हरामजादी क्यों. वो हमें सुबह जगाता भी है बड़े प्यार से. इट्स अ फीमेल डॉग, हर नेम इज मीरा. हाँ, मतलब हम बिच नहीं बोलते क्योंकि गाली होती है, फीमेल डॉग बोलते हैं इंग्लिश में. एक तुम टोपी लगा के आ ना रात को, इसलिए बता रहा हूँ. पर बचपन में हमारे जागने का ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से, यूपी के बरेली से हूँ मैं. पिताजी बहुत धार्मिक आदमी थे, हमेशा हमें सुबह सुबह जगाने के लिए आसाराम जी के भजन सुनाते थे, टेप पे लगा देते थे. नाउ व्हेन आई लुक बैक एट लाइफ, आई रियलाइज मैं इसकी आवाज़ सुन के जाग रहा था सारा बचपन. हमारे यहाँ छत पे ना फोल्डिंग पलंग बिछते थे, एक साइड पे कूलर लग जाता था, सब खाट बिछ जाती थी. मेरी लास्ट वाली होती थी, सबसे आखिर में मैं ही आता था ज़्यादातर. तो क्या करते थे ना, सुबह सुबह टेप में भजन चला देते थे आसाराम जी के. उसके बाद वो तुलसी में जल चढ़ाने के लिए जाते थे. हरिओम हरिओम हरिओम, उनका नाम भी हरिओम था. कई बार तो मेरा मन करता था कहूँ कि क्या अपना ही नाम जप रहे हो, पर बाप के सामने ऐसा पंच मान नहीं सकते. वो बाप लौट के ऐसा पंच मारेगा, चौंकते की शक्ल बिगड़ जाएगी. तो वो जल चढ़ाने जाते थे ना, ऐसे करके चार छींटे हम पे ही मार देते थे, हरिओम हरिओम. हम भी बेशरम थे, चद्दर से मुंह पोंछ के फिर सो जाते थे. जब जल चढ़ाने इधर से जा रहे होते थे तो सीक्वेंस होता था, जमीन, खाट, गद्दा, चद्दर, मैं, चद्दर. वापस आने तक नहीं उठे तो सीक्वेंस होता था, जमीन, मैं, चद्दर, गद्दा, चद्दर, खाट और बाप की लात. क्या ना कि माँ तो इमोशनल होती है, गले लगा लेती है, कभी रो देती है, उसके एक्सप्रेशन क्लियर होते हैं. बाप नहीं समझ में आता. बाप होता ट्रिग्नोमेट्री और यूपी का बाप होता क्वांटम फिजिक्स. समझ सके तो समझ. 7 बजे घर आए, 7-7 बजे तक घूम रहा है आवारा कहीं के, कोई तरीका ही है. 6 बजे घर आया, 6 बजे ही घर में आके बैठ गए. 6:30 बजे घर में आए, टप में से निकाल के भीगी चप्पल मार दी, कंफ्यूज कर रहा पैर. बाप नहीं समझ में आता, बाप डेंजरस होता है. अच्छा मुझे ये बताओ कि ब्राह्मिन्स इन द हाउस की मेचियर, नाइस. बनियाज इन द हाउस की मेचियर, नहीं. आगे कोई जोक नहीं है, मैं यूपी से हूँ, मुझे कास्ट डिवाइड देखने में मजा. ऐसे ही थोड़ी प्रोफाइल रीड कर लेता हूँ. हमारा ना ब्राह्मणों का मोहल्ला था, वहाँ बच्चे ना कुटते थे प्रॉपर. होम अप्लायंसेस के सब आइटम से हमारी कुटाई हुई है ना. और वहीं पास में था बनियों का मोहल्ला, तो बनिए लोग मार पिटाई करते नहीं, 25-50 ग्राम तोल रहे ऐसे करके ना, सोना चांदी. तो बच्चों को मार भी रहे तो ऐसे ही है, बच्चों को भी मजा आ रहा. हाँ हाँ, जरा इधर भी आए, नीचे नीचे थोड़ा. तो बनिया मित्र था हमारा ऋषि, उसके घर में बनी मूंग की दाल,
बोला नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा तकिए में मुंह डाल दिया करा मैं नहीं खाऊंगा माँ मना रही है अरे मेरा ललाला है मैं बेटा है मेरा कन्हैया अरे कितना क्यूट लग रहा खा लो बेटा मैंने कहा अच्छा ये करने से प्यार मिलता है ये तो हम भी अपने घर पे ट्राई करेंगे बैड डिसीजन घर पे बनी लौकी की सब्जी मैंने अब मैं नहीं खाऊंगा दिक्कत ये एक तो हम क्यूट नहीं लगे देखो क्यूट या तो तुम होते हो या नहीं होते हो लेट्स फेस इट ये कोई महंगा मोबाइल लेके इससे कोई क्यूट नहीं लगता बल्कि महंगे मोबाइल में तुम्हारी खराब शक्ल और ज्यादा खराब सस्ता चाइनीज वाइनीज मान लो फिल्टर डाल के कहो ये हैविंग फन हैशटैग हॉलीडेज तो हमारे घर बनी लौकी की सब्जी मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा बुरी किस्मत उसी वक्त पिताजी की एंट्री हुई दरवाजे से बोले कौन दिखा रहा मैंने खा तो रहा हूँ लौकी की सब्जी घर डाल के इससे बढ़िया कोई सब्जी नहीं है लाइफ बन जाती है मजा आ जाता है यूनिसेफ ने भी कहा है लौकी इज द बेस्ट सब्जी इन द वर्ल्ड खून चढ़ाने पड़े लौकी का रस चढ़ा देना मेरे अंदर खाने के बाद लौकी की गर्मी भी खाऊंगा फिर लौकी एक नंबर पर क्या है ना कि पिटाई कुटाई वाले बच्चे ना पक्के हो जाते हैं वो इसी हिसाब से पक्के हो जाते हैं कि देखो अब क्या करेंगे हमें चोट ना लगे जैसे वो मैनेजमेंट में बताते हैं डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कैन नॉट चेंज फोकस ऑन व्हाट यू कैन लोग कहते हैं ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो पिटाई होती है अब ये हम नहीं चेंज कर सकते लेकिन जब पढ़ रही हो तो हमें कम लगे ये हम ट्राई कर सकते हैं ठीक है तो हमारा फॉर्मूला ये था चार चीज टाइट करनी है पढ़ने वाला और डंडा तो 1 2 3 4 पढ़ने से पहले ही करो ऋतिक करता था ये हमारा था ये ऐसे से पहले से ही चिल्लाने लग जाओ पर बाप तुम्हारी हरामपंथी की हद जानता है He has other plans. एक बार सातवीं की हाफेरली में मेरा आया जीरो गणित में मुझे जीरो में दिखा मर्डर मैंने जीरो के पहले लिख दिया एक हो गए 10 टोटल था 390 अब अगर वहां 10 है तो नीचे 400 होना चाहिए था पर वहां मैंने कहा ज्यादा है ओवर राइटिंग हो जाएगी देर इज अ गॉड भरोसा रखो मैंने वहां कुछ छुआ छेड़ नहीं किया कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड दिखता है और कुछ होते हैं जिनके मुंह पर रिजल्ट दिखता है जिस दिन रिजल्ट आया मैंने घर पे नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट आया जाने दो नहीं बताऊंगा उसी दिन गली में मेरा दोस्त बनिया दोस्त ऋषि जो आया फर्स्ट मेरे पिताजी को मिल गया अंकल जी मैं तो फट आया अब वो घर आए सुमड़ी में चुप के बताऊंगा नहीं आज इसे कि रिजल्ट आया देखते हैं ये कब बताता और मैं इस चक्कर में कि आज मत बताओ आज पिटाई टालो आज पिटने का मन नहीं है हम बाप बेटा ये गेम खेल रहे हैं कि कौन पहले बोले उन्होंने भी नहीं पूछा मैंने भी नहीं बताया अब वो आके 2-3 घंटे दोपहर में रोज सोते थे अब कोई तो कारण है यूपी की तरक्की नहीं होती लोग दिन में सो रहे हैं 2-3 घंटे बाद वो सोने के बाद जागे और बोले अरे रिजल्ट आया था क्या मैंने हाँ अरे भूल गया था बोले अच्छा ला जरा दिखाओ सुनो वो लकड़ी वाला हाथ का पंखा भी लेते आना देखा बिजली तो आ रही है बोले क्या पता चली जाए बेटा ले आओ मैं पंखा लेके चला अब बाप तुम्हारी हरामपंथी की हद जानता है उसे पता है तुम्हारा बाप है कि तुम कहाँ तक जा सकते हो उसकी लिमिट पता है मैंने कहा पंखा रख दो मैंने कहा इधर ही रखा मैं ही हवा कर दूँ रख इधर मैंने रख दिया तुरंत रिजल्ट देखा देखते हुए समझ में आ गया इसमें 10 नंबर का झोल है उन्हें पता था डंडा मारा तो ये वाला स्टेप है ही हैड अनदर प्लान दिस टाइम उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखते ऐसे करके गिरा दिया जैसे गिर गया बोले अरे
गिर गया उठाइए जरा उसके बाद जो मैं रिजल्ट उठाने झुका अगले आधे घंटे नहीं उठा पर क्या हुआ कि उसके बाद पिताजी ने समझाया देखो अगर ऐसे जीरो के पहले एक बनाओगे ना तो कभी एक नहीं लगेगा लेकिन मेहनत करोगे तो जीरो के पहले हो सकता है दस भी लग जाए और नीचे का टोटल भी करेक्ट होगा इसलिए सही रास्ते पे चलना तो आगे चल के शायद तुम्हारा कुछ हो जाए लाइफ में और हुआ भी मेरे स्कूल की 6 महीने की फीस 15 रुपये थी ये टिकट कितने का लिया तुमने 500 रुपये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे पर हुआ क्या ना कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी तो अभी है नहीं दुनिया में तो हुआ क्या कि एक बार वो ICU में एडमिट हुए उनको कैंसर था तो ICU में जब वो एडमिट हुए तो उसके बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था तो मैंने क्या किया कि मैं अभी एक गेम खेलने लगा उनके साथ मैं ICU में जाता था पेशेंट वाली थाली जो आती थी वो आती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी स्वादिष्ट थाली है तो मैं क्या करता था पर्दा डाल के हम ऐसे गेम खेलते थे कि जैसे नर्स ना देख ले 3-4 महीने हो गए थे एडमिट होके तो मैंने कहा काम करते हैं खाना खा के देखते हैं मैं आपके साथ खाता हूँ अरे ये तो बहुत अच्छा है देखना ज़रा ट्राई करना बचपन में जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना आप ऐसे ये खाओ जैसे वो मुझे खिलाते थे इस बार मैं उनको दिखा के एक्टिंग कर रहा था देखो अरे बड़ा अच्छा है खा के देखो उन्होंने थोड़ा खाया एक दिन डॉक्टर ने देख लिया बोली ये आप इनका खाना क्यों खा रहे हैं मैंने सिर्फ एक बाइट लिए तो बोली बाकी का खाना इन्होंने खाया है मैंने कहा हाँ तो बोली अच्छा आप इधर आइए कहाँ तो बोली इनके क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक सब छाले हैं अंदर अल्सर्स हैं इस कंडीशन वाले लोग एक दो बाइट भी नहीं खा पाते पर आपने इन्हें पूरी 2 रोटी खिला दी पर ये आपने कैसे किया पता नहीं पर आपने किया बहुत अच्छा और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने गेम करके बापू को ऐसे टेस्ट में खिला दिया रियलिटी कुछ और थी अंदर वो बाप का प्यार था मेरे लिए जो मेरी खराब एक्टिंग देख के भी खा गए ताकि मैं खा लूँ ताकि मुझे लगे कि मैं कामयाब हुआ डॉक्टर ने बोला अब इनके पास जितना भी टाइम है आप देख लीजिए अभी जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है करते रहिए जो भी टाइम आपके पास बचा है तो मैं उनके पास वापस गया तो बोले क्या बोली वो मैंने कहा उसने कहा कि अच्छा है ऐसी खाते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे बोले अच्छा कुछ हो जाए तो मुझे मेरे गांव ले जाना मिट्टी जहाँ की हो उसी में मिल जाए वहीं मिल जाए तो अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं स्मार्ट हूँ पर बाप तुम्हारी हरामपंथी की अब जानता है उसे पता है तुम कब झूठ बोल रहे हो जब पहली बार वो एडमिट हुए थे ना तो ICU में गए वो इमरजेंसी में गए उसी दिन स्वाइन फ्लू का भी उस फ्लोर पे कोई पेशेंट आया था जब वो कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं उसमें सब मास्क लगा के ही जाते हैं उनको ऑक्सीजन लगाई हुई थी मैं ऐसे ही रोक रहे थे डॉक्टर पर मैं भाग के गया कि माई फादर इज़ देयर मैंने दूर से देखा उनके पास जाने लगा वो दूर से ऐसे इशारा करते रहे पर मैं उनके पास की तरफ गया और वो ऐसे इशारा करते रहे फिर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन हटाई और बोला जा यहाँ से तो मैं बाहर निकला मेरा दिमाग ख़राब किया यार बापू अभी भी ऐसे मेरे अकड़ के बोल रहे हैं पर बाहर गया फिर मैंने सोचा कि यार इन्होंने बाद में डॉक्टर ने बताया कि वहाँ स्वाइन फ्लू फैला हुआ था इसलिए मुझे कुछ ना हो इसलिए उन्होंने अपनी ऑक्सीजन हटा दी जबकि पेशेंट्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं मैं बाहर गया अब उनको गुजर के 10 साल हो गए और मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी हरामजादी है कि इसमें कोई सालक किसी को एक ढेला नहीं देता बिना मतलब के और बाप होता है जो तुम्हारे लिए अपनी ऑक्सीजन हटा के ही वॉचेज़ योर बैक क्योंकि माँ क्या होती है इमोशनल होती है तुम्हें प्यार करती है तुम्हें पैदा करने से पहले से जानती है क्योंकि उसने अपने अंदर तुम्हें रखा है कि बाप दुनिया से जाने के बाद समझ में आता है सो इफ यू हैव अ फादर देन गो हग हिम टच हिज फीट क्योंकि माँ बाप का रिप्लेसमेंट नहीं होता दुनिया में कहीं भी memory of his father wow you know kithe hasata te kithe thoda bota relata you know what I mean he stood up there and he gave us not one emotion he gave us two kind of different ones and I didn't expect either of them I did not know what to expect but from me laughing non-stop I just totally went like eggy hug ya
But when I was laughing all that, I had a lot that I wanted to say, kind of thing. I was like going, oh my god, you know what? I'm gonna say because in your mind's already thinking, oh god, I like that. But afterwards, when you get that emotional, I just now I'm feeling totally something. Hon, make you get more, you know, that kind of thing. What do you think, anyway? He was really, really funny. Like you said, you know what to expect. We've never watched one of his before, so he was from the beginning. He was just hilarious, and then it's just that, like, the ending just gets you, and you just were like, oh my god, the two emotions, you were laughing at one point, that kind of was like all wiped away, and now I'm like, I don't know, it just felt like really touched with everything he said. And I was gonna say, some stand-up comedians, like, they sometimes talk really fast, or they talk in different, you know, like the accent is strong, and sometimes it's like about trying to understand or going, you know. But he was so calm, and he didn't have to move around so much. But when he done his expressions on his face, even that, you just went. When he walked on stage straight away, yeah, he just had this thing, like this calmness. But yeah, he was funny, and I did like him, to be honest. And that was the video. You guys, let us know what you guys thought, and any other stand-up comedies or any other videos that you guys want us to do, do let us know. Write them down in the comments. And as always, we always say, guys, come on, click on our subscribe button and click the thumbs up button to, you know, show us that you like the video, so we could do more for you guys. And share it with people, you know, share it with your family and your friends. Share it with your father or your son, you know, these kind of things and stuff like that. And hopefully we'll see you in the next one. Take care. See you soon. Bye.